प्रदेश के हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र में 1 नवंबर को सांडी थाना इलाके के मदारा निवासी शिवनंदन की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया था। सर्विलांस टीम की मदद से किए गए इस खुलासे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इस हत्याकांड में एक युवक ने बस कंडक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्या को अंजाम देने के लिए हत्यारे ने क्राइम पेट्रोल सीरियल की कहानी का सहारा लिया था। पुलिस ने हत्या करने वाले प्रधान भगराई सांडी मानवेंद्र सिंह व उसके एक साथी शिवम निवासी मुन्ने मियां चौराहा शहर कोतवाली, जिसने फर्जी आईडी पर सिम दिया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त वैगनार कार भी बरामद की गई है। हत्या की वजह प्रधान के घर मृतक का आना जाना बनी। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 1 नवंबर की सुबह लोनार थाना इलाके में नहर किनारे एक शव पड़ा पाया गया था। युवक की प्लास्टिक की टाई से गला कसकर हत्या कर दी गई थी। उसकी पहचान शिवनंदन निवासी मदारा सांडी के रूप में हुई थी। यह बस का कंडक्टर था और शहर कोतवाली क्षेत्र में रहता था। इसकी हत्या का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध भाई ने दर्ज करवाया था। इस मामले के खुलासे के लिए नोलार पुलिस के साथ सर्विलांस को लगाया गया था। एसपी ने बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच की गई तो जांच में सामने आए सुरागों के आधार पर जब सांडी के बघराई के प्रधान मानवेंद्र को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने शिवम निवासी मुन्ने मियां चौराहा शहर कोतवाली से फर्जी आईडी पर सिम और नया मोबाइल लिया था। पुलिस ने शिवम को भी गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक प्रधान ने बताया कि उसके घर मृतक का आना जाना था, जो कि उसको नागवार लगता था। उसने बताया कि क्राइम पेट्रोल धारावाहिक देखकर घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। 1 तारीख को एक शिवनंदन नाम के व्यक्ति की लाश पड़ी मिली थी बावन क्षेत्र में, और उसकी पोस्टमार्टम से ये पता चला कि उसके गले में स्ट्रैंगुलेशन के मार्क थे और प्लास्टिक का फंदा था, और पोस्टमार्टम के आधार पर और उसके पिता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मर्डर का मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कायम करके तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश से ये बात प्रकाश में आई कि अभियुक्त मानवेंद्र, जो एक गांव का प्रधान भी है, उसके यहाँ इस मृतक का आना जाना था और उसको ऐसा लगता था कि इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, और उसी की वजह से प्रेरित होकर के उसने उसको मारने का प्लान किया। और कुछ समय पहले उसने एक सीरियल, कोई क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा था, जिससे उसको ये आइडिया आया कि इसकी हत्या कैसे करनी है, और उसने फिर प्लानिंग के तहत जा कर के प्लास्टिक का फंदा खरीदा, 4 फंदे खरीदे, और फिर उस मृतक को शराब पिला करके उसने अपनी वैगन आर गाड़ी में और उसकी सीट पे पीछे जा करके गले में फंदा कस के उसकी हत्या कर दी, और बाद में उसकी बॉडी को वहाँ उसने फेंक दिया। उसको बुलाने के लिए अभियुक्त ने अलग से एक शॉप से फ़ोन और सिम खरीदा था, जिसका इस्तेमाल उसने सिर्फ इस अभियुक्त को, इस मृतक को बुलाने के लिए किया था, और उसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया था। परंतु पुलिस की सर्विलांस टीम ने इसका खुलासा कर लिया, और अभियुक्त के कब्जे से वो प्लास्टिक की टाई, वैगनार और ये सब चीज़ें बरामद कर ली हैं। जो प्लास्टिक की टाई उसने जहाँ से खरीदी थी, वो उस दुकान से भी बातचीत हो चुकी है, जिसने इस बात को वेरीफाई कर दिया है, और जो सिम जिसने भेजा था, प्री एक्टिवेटेड सिम, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उसके विरुद्ध मुकदमा कायम करके उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है, ताकि इस तरह के घटनाओं पे विराम लग सके। कई दुकानदार इस तरीके से प्री एक्टिवेटेड सिम बेचते हैं, जिसका अमूमन इस्तेमाल अपराधी इसी तरह का अपराध करने में करते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।